हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं गया था अभी तत्काल लॉस एंजलिस, तो वहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, इस काम के द्वारा बनाई गई है डायरामा। तो वहां पर लिखा गया है और गेस्ट हाउस में भी लिख कर रखा गया है, दिस इज आवर डिज्नीलैंड। तो और लोग भले डिज्नीलैंड में घूमे और घूम करके लास्ट में दुखी होकर आवे, लेकिन वास्तविक डिज्नीलैंड है भगवान का मंदिर। वहां जाने के बाद तब जीव आनंद में मग्न हो जाता, और वो भी जब इस्कान के द्वारा बनाए हुए डायरामा आप देखेंगे, बिजली द्वारा चालित, बहुत सुंदर लगता है। छोटा ही है लॉस एंजलिस में, लेकिन वास्तव में वो डिज्नीलैंड का बाप है। उसको देखने पर प्रसन्नता होती है, भगवान किस तरह बोलते हैं, गीता का उपदेश करते हैं। तो और दुनिया के लोग जाते हैं डिज्नीलैंड में। वहां पर एक चीज मैं देखा, एक बार हमको टिकट दे दिया था एक भक्त ने, गया था फ्री मिला था, कई लोग गए थे। तो हमने देखा एक जगह पर मेढक के आकार के कुछ यंत्र बनाए गए थे, मेढक जैसे, और कुछ लोग चलते थे ऐसे गोलाकार, और मेढक के मुख से पानी निकलता था, तो कुछ न कुछ लोगों पर पड़ता था। तो हमने एक भक्त से कहा कि हाय हाय देखो मेढक थूक रहे हैं इन लोगों। ये फल मिल रहा है, ये भी धिक्कार रहे कि क्या इस तरह से तुम सुख मानते हो। तो जो देखे होंगे वो समझते होंगे किस तरह। और वो लोग इसलिए बनाए हैं कि वो मेढक स्वागत कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, लेकिन वो सीधे उनके मुख से आता है। असली बात है, ये तो असली मेढक नहीं है, लेकिन ऐसे बनाया गया है। तो हम पर पड़ा तो हम तो समझे झूठा हो गया देह, मगर ठीक सजा दे रहे हैं। इसको देखने वालों के ऊपर इसी तरह मेढक थूकते हैं। इस दुनिया में हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे, और सुखी होने का उपाय बताया जाता है, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, ये कहीं उपाय है, भगवान का नाम जपो और सुखी हो जाओ, ये स्लोगन है इस्कान का सब जगह, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। पर आश्चर्य है कि इस सिंपल और सबसे बलवान उपाय को मनुष्य स्वीकार नहीं कर रहा है। स्वीकार करना चाहिए, शास्त्र कहता है। और जब स्वर्ग के राजा इस तरह से बोल रहे हैं कि स्वर्ग किन क्षुद्र ही खात कोद का, स्वर्ग का सुख क्षुद्र है, छोटा है, और वो खातक उदक है, उदक मतलब पानी जल, और खातक का अर्थ है गड्ढा खोदा हुआ, एक तरफ समुद्र में भरा हुआ है रस और एक तरफ गड्ढे में गंदा जल भरा हुआ है, तो कौन इसको भोगेगा जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है। लेकिन जस भक्ति भगवती, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया है, वो उसको क्या स्वर्ग से मतलब है, स्वर्ग नामक नरक से उसको क्या मतलब है, बताइए। जो स्वर्ग के सुख को हे कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, स्वर्ग का मालिक वो बोल रहा है कि स्वर्ग तुच्छ है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही वास्तविक अमृत है, वास्तविक रस है, वास्तविक सुख है। तो जब स्वर्ग को इतना हीन कहा जा रहा है, तो इस पृथ्वी को कितना हीन कहा जाएगा, इस कोई सीमा नहीं। देवता लोग इस पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं, इतना उनको गंदा लगता है। कभी आते हैं तो आकाश में ही खड़े रहते हैं, पृथ्वी पर पैर नहीं देते, उनको बहुत यह धरातल गंदा लगता है। और वे ऊपर से जब मनुष्यों पर विचार करते हैं, भागवत की बात में कह रहा हूँ, तो वो लोग देवता लोग कहते हैं कि
ये मनुष्य कितने, जैसा लगता है कि गटर में कुछ कीड़े घूम रहे हैं, देवताओं को ऐसा लगता है। इधर तो आदमी सोचता हम बहुत अच्छी कार से चल रहे हैं, लेकिन देवता लोग सोचते हैं कि ये पिलुआ, ये कीड़े रेंग रहे हैं और गटर में रंग घूम रहे हैं। द्वितीय स्कंद भागवत में लिखा गया है कि जौन लोक के निवासी जो है उनको कोई दुख नहीं है, कभी कोई दुख नहीं है, लेकिन एक एक चीज से बहुत दुखी रहते हैं। जब वो मनुष्यों पर विचार करते हैं, देखते हैं तो सोचते हैं ओहो कितने, कभी रोग कभी दुख, बुढ़ापा, ये वो, ये कितने दुखी जीव हैं। तो मनुष्यों का दुख देख करके वे बेचारे दुखी होते हैं, नहीं तो उनको अपना कोई दुख नहीं है। और सोचते हैं कि लोग क्यों नहीं विष्णु का भजन करते हैं, ये लोग सुखी होने के लिए बहुत बहुत उपाय कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुखी नहीं हो रहे हैं, दुख बढ़ता जा रहा है। इतना रोड एक्सटेंड कर रहे हैं, लेन बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कार में लोग हाय हाय करते हुए आते हैं। थोड़ा भी जाम होने पर चेहरा उदास होने लगता है, घड़ी देखते हैं कब पहुंचेंगे, क्या हो गया, कोई सुख नहीं है। रोज रोज रोड विस्तार कर रहे हैं, इतना फैला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ्लाइंग ब्रिज बनाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर भी दुख जो कहते हैं। और मान लीजिए वो निर्बाध पहुंच भी जाए तो वह पहुंचने पर, डेस्टिनेशन पर क्या सुख है, कोई सुख नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाने का समय नहीं मिलता है, शाम को आकर के तब कुछ खाते हैं, तो क्या सुख है इस संसार में। जब खा भी नहीं सकते अच्छा से, तो गधे की तरह काम करो, भले दौड़ दौड़ कर कार से, लेकिन सुख क्या है। एक मोह है वास्तव में, भ्रम है। और सोचता अच्छा अब सुख भेंट हो जाएगी, सुख से अब दो दिन के बाद, इस वर्ष के बाद, इसके बाद मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, तब तक बुढ़ापा चालू हो जाती है। अभी सुख के पास पहुंचे नहीं तब तक मृत्यु के तरफ गाड़ी जाने लगती, कोई सुख नहीं। और यहाँ के मनुष्यों में, स्त्रियों में ये जो रोग है अनेक प्रकार का, इसीलिए शरीर सुख भोग भी नहीं सकता। एक तो यहाँ भोग है ही नहीं, और भोग हो भी तो शरीर में इतने रोग हैं कि भोगेगा क्या आदमी, क्या भोगेगा। घी माना है, चीनी माना है, असली चीज तो सब मना कर दे, क्या भोगेगा। तो नमक मत खाओ, चीनी मत खाओ, घी मत खाओ, और ज्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा एक रोटी खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ। तो सीधा सीधा वार्निंग दिया, अरे यहां क्या भोगोगे, कुछ नहीं भोग सकते। तो दुख है वास्तव में, वास्तविक सुख किस में है, भगवान की भक्ति में। ये जो हम लोग यहाँ के दुख देख रहे हैं, स्वर्ग में भी दुख है। वहाँ का दुख क्या है, वहाँ का दुख है सातिशयता का दुख। शास्त्र में कहते हैं स अतिशयता, देवताओं को और कोई कष्ट नहीं है, लेकिन एक बहुत कष्ट है कि वहाँ जो ग्रेड्स हैं उसको ज़्यादा सुपीरियर विमान मिला हुआ है, उसको ज्यादा भोग मिला हुआ है, उसको ज्यादा, ये सोच करके वो जलते रहते हैं। तो जो उनको मिला है वो भोग नहीं पाते हैं, दूसरे का ज्यादा देह करके मरते रहते हैं। और अपना जो भगवान ने दिया है उसको भोगना चाहिए, लेकिन नहीं, हाय रे उसको ज्यादा हो गया, इंद्र को ज्यादा भोग मिल रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, इसी चिंता में मरते रहते हैं, कभी सुख का अनुभव नहीं करते। इस स्वर्ग के राजा खुद ही बोल रहे हैं कि वास्तविक सुख है भगवान की भक्ति में, और यह सुख है अनंत है, समुद्र की तरह, और जो संसार का सुख है वह छोटे से गड्ढे में जमा हुआ गंदे जल के समान है, उसमें ना स्नान कर पाएंगे, ना उसको पी पाएंगे, ना उसे कपड़ा धोएंगे, कुछ भी नहीं, और बल्कि वो पानी पिए तो कोई रोग भी हो जाएगा, मर सकते हैं।
लेकिन भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति का सुख सबसे बड़ा सुख। इसीलिए मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए। स्वर्ग के सम्राट इंद्रदेव भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं और समझ गए कि वृत्रासुर क्यों नहीं स्वर्ग चाहते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति के समुद्र में विहार कर रहे हैं, रस में मग्न है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति बुर्वाणौ अन्योन्यम धर्म जिज्ञासया नृप युयुधाते महावीर जौ इंद्र वृत्रौ युधामपति। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार इंद्र और वृत्रासुर दोनों बोल रहे थे। इसके पहले आपने वृत्रासुर जी का प्रवचन सुना, इसके बाद भगवान इंद्र का सुना, तो इस तरह वे दोनों बोल रहे थे। किस लिए? धर्म जिज्ञासा, भगवान के भक्ति के प्रचार के लिए, जिज्ञासा के लिए भगवान की भक्ति का निरूपण कर रहे थे। यहां धर्म का अर्थ है भक्ति। धर्म जिज्ञासा विथ ए डिजायर टू नो द सुप्रीम अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल डिवोशनल सर्विस। ये अल्टीमेट धर्म है डिवोशनल सर्विस, भक्ति। सवाई पुनसाम परो धर्म जतो भक्ति रुधोच। तो भगवान की वास्तविक भक्ति क्या है, वास्तविक सुख क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है, इस विषय में दोनों वीर बात करते थे। युधामपति, दोनों युद्ध के ईश्वर हैं, बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। और महावीर जो, दोनों लगभग एक समान शक्तिशाली थे, एक समान शक्तिशाली थे, महान वीर थे, पर युद्ध के क्षेत्र में भगवत भक्ति की चर्चा चल रही है, भगवान का गुण गाया जा रहा है। तो इस तरह वे लोग परस्पर अन्योन्यम आपस में आनंद ले रहे थे, इस तरह के और बात भी बोलते थे। युद्ध रुक गया था, कभी वृत्रासुर जी बोलते थे, कभी भगवान इंद्र बोलते थे, इस तरह अनुन्यम परस्पर धर्म पर प्रवचन कर रहे थे, भक्ति पर प्रवचन कर रहे थे। अब ये बात बोलने के बाद और सुनने के बाद दोनों वीर अपना कर्तव्य समझ करके फिर युद्ध चालू करते। भक्ति पर प्रवचन तो हुआ लेकिन काम करना है ना। वो आए हैं मारने के लिए वृत्रासुर को, और वृत्रासुर आए हैं मरने के लिए, तैयारी हो ही गई है, शरीर त्यागना चाहते हैं। तो वृत्रासुर देखे कि बिना युद्ध के तो ये मारेंगे नहीं, ऐसे भक्ति पर प्रवचन चलता रहेगा तो सालों बीत जाएगा, मारेंगे नहीं। झगड़ा करने पर तब कोई किसी को मारता है। तो ये बात बोलने के बाद, इसके बाद अपने कर्तव्य समझकर वृत्रासुर परिघ उठाए अपने बाएं हाथ से, दाहिना हाथ तो कट चुका था बहुत पहले। आविध्य परिघम वृत्र कार्ष्णाय समरिंदमः इंद्राय प्राहिणोद्घोरं वाम हस्तेन मारिष। मारिष शब्द पूज्य के अर्थ में होता है, मारिष हे सम्माननीय आदरणीय परीक्षित। प्रवचन के बाद वृत्रासुर एक काले लोहे का कार्ष्ण आयस, काले लोहे का एक परिघ लिए, और वे तो अरिंदमा है, वृत्रासुर अपने शत्रुओं को जीतने में समर्थ हैं, भीतरी शत्रु भी और बाहरी शत्रु भी, इंद्र जैसे शत्रु को जीतने में समर्थ हैं, और भीतरी काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं को तो पहले से ही परास्त कर चुके हैं। तो उसको अरिंदमह कहते हैं, अरिंदम, अरिंदमयति इति अरिंदम, जो शत्रुओं को दबा दे वो है अरिंदम। तो अरिंदम शत्रुओं को दबाने में समर्थ है वृत्रासुर, एक काले लोहे का परिघ लिए बाएं हाथ में, और आविध्य, आविध्य का अर्थ है कि उसमें गति बना करके, और इंद्राय प्राहिणोत, इंद्र के लिए छोड़े घोर बहुत भयावह परिघ, वाम हस्ते न मारिस, अपने वाम हस्ते न, लेफ्ट हैंड से चलाए, अभी चलाने जा रहे थे तब तक सतु वृत्रस्य परिघम करम चक्र भूपम विच्छेद जुगपत देव,
वज्र नसत परवरा, जो ही वो चलाना चाहता था तेव ही भगवान इंद्र अपने वज्र से, जिसमें 100 धार है पर्व है, उस वज्र से उस परिघ को काट दिए और भुजा को भी काट दिए। वृत्रासुर की भुजा भी गई, दोनों भुजा, एक भुजा तो पहले कट गए थे, अब यह भी भुजा कट गई। तब श्री सुखदेव गोस्वामी मानो कैमरा लेकर के वृत्रासुर का फोटो ले रहे, इस तरह से वर्णन करते हैं और कहते हैं वृत्रासुर बहुत सुंदर लग रहा था दोनों बांह कटने से। देखिए किस तरह का वाक्य है, दुर्भ्याम उत्कृत मूलाभ्याम बभौ रक्त स्रवोसुर छिन्न पक्षो जथा गोत्र खाद भ्रष्टो वज्रणा हतः। वृत्रासुर ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली हिज टू आर्म्स कट ऑफ एट देयर रूट्स लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल लाइक ए फ्लाइंग माउंटेन हुज विंग्स हैव बीन कट टू पीसेस बाय इंद्र। बभौ, बभौ का अर्थ है सुशोभा, वृत्रासुर बहुत सुंदर लग रहे थे। युद्ध में बाह का कट जाना, रक्त का बहना, ये शोभा की बात थी। युद्ध में तो फूल का श्रृंगार होगा नहीं, वहां तो रक्त लगे देह में, अस्त्र से अंग कट जाए, यही शोभा है। तो दुर्भ्यम उत्कृत मूलाभ्यम, वृत्रासुर के दोनों बाहों के मूल में ही काट दिया इंद्रदेव ने वज्र से, मूल यहां से यह बांह कट गई, यहां से यह बांह कट गई। बहुत लंबी लंबी मोटी मोटी बांह थी, तो जब बांह कट गई तो दोनों तरफ से ऐसा रक्त चूने लगा जैसे लगता था कि खून की नदी बह रही, धारा चल गई दोनों से। तो श्री सुखदेव गोस्वामी याद करते हैं कि एक समय भगवान इंद्रदेव पर्वतों के पंख काटे थे, तो उनसे जब पर्वतों के पंख काटे थे तो उनसे खून चू रहा था, लाल लाल पानी चू रहा था, और पर्वतों के पंख धड़ाम धड़ाम नीचे गिरे थे। ऐसी बात थी एक बार कि पर्वतों ने अगस्त जी को नमस्कार किया, एक बार उनकी भक्ति किया, तो अगस्त जी ने उनको वर दिया कि तुम लोगों को पंख हो जाएगा उड़ने के लिए। तो पंख भी पत्थर का ही पंख, माउंटेन का पंख माउंटेन का ही होगा, तो पर्वत जहां तहां उड़ रहे थे, उड़ते थे और किसी नगर पर किसी गांव पर जाकर बैठ जाते थे, सब मर जाते थे। तो इनसे विनय किया गया देवराज इंद्र से कि आप पर्वतों के पंख को विंग्स को काटिए। तो भगवान इंद्र ने वज्र से, इस घटना के बाद की वो बात है, वज्र से पर्वतों के पंख काटे थे, तब से पर्वत जहां तहां बैठकर अस्थिर रहते हैं, जहां गिरे बस वहीं है, नहीं तो बहुत उत्पात करते थे पर्वत शुरू में। तो जब पर्वत के पंख काटे थे तो वहां से गेरू की धारा पानी चू रहा था, ऐसे स्रवित होता था। तो ऐसा ही इस दृष्टांत को ले रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि छिन्न पक्षो जथा गोत्र, गोत्र का अर्थ होता है पृथ्वी की रक्षा करने वाला पर्वत, जहां तहां भगवान ने पर्वतों को बनाया है पृथ्वी पर बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस के लिए, तो इसको पृथ्वी का रक्षक कहा जाता है पर्वत को। तो पर्वत जैसे गिरा था पंख कटने पर और गेरू बह रहा था, उसी तरह से वज्री ने अर्थात भगवान इंद्र ने वृत्रासुर के दोनों बाहों को काट दिया, जिससे रक्त चू रहा था, रक्त स्रव और बभव, बहुत सुंदर लग रहे थे वृत्रासुर। सब अच्छा अच्छा दृश्य बीत गया तब वीडियो कैमरा बना है। तो भगवान की लीलाओं को लिया गया होता उस समय, श्रील प्रभुपाद जी के समय में भी उतना डेवलप्ड नहीं था, इसीलिए प्रभुपाद जी के वीडियो कैमरा बहुत कम है। जब सब अच्छे लोग चले गए दुनिया में, केवल नालायक रह गए, तब ये सब आविष्कार हुआ।